जफरुद्दीन नाम है, जहूरुद्दीन, ठीक है, जहूरुद्दीन साहब, आप बताइए ये अपने नाम के साथ गांव का नाम, उस दिन रात में क्या हुआ आपके साथ जो बीती, पूछने पे भी हमको तकलीफ है, माफी चाहते हैं, लेकिन आपको ये बोलना पड़ेगा क्योंकि इंसाफ चाहिए। हाँ जी, तो इंसाफ के लिए बात को फैलाना पड़ेगा देश भर में, और इन जो जितने है ना ताकतवर लोग वो समझें कि क्या जुल्म हुआ है। ठीक है, आप अपनी बात को जितने अल्फाज में कह सकते हैं नरमी से कह दीजिए पूरी बात, जो आप जो समझ रहे कहना है वो कहिए बस। ठीक है, हम पूछना गलत है। मेरे बच्चे यहाँ सोए होड़ थे खेत पे, हम यहाँ खेत पे रहते हैं, मैं इनसे 2 किला दूर था, वहाँ सोता था, तो इन लोगों ने जो ये दरिंदे यहाँ आए, ये राक्षस जो यहाँ आए, मेरे बच्चों को मारा, मेरे साथ बच्चों के साथ गैंगरेप किया, और बहुत शर्मनाक घटना है जो यहाँ बताई भी ना जा रही है, ऐसी हरकतें उन्होंने करी जालिमों ने। और मेरे पास एक छोटा सा लड़का गया, रात को जब वो दरिंदे चले गए उनके डर के, फिर वो तो वह जब यहाँ आया तो मैंने तो वो मरे, मुझे तो यहाँ वो मरे पाए, उनकी यहाँ डंडों से पीट के, सरियाओं से पीट के उनकी हत्या कर दी गई, और फिर उन लड़कियों के साथ गैंग रेप किया गया, फिर जो उनकी लूटपाट थी, जो उनके जेवरात थे वे सब लूटे गए, हर एक चीज़ को, कपड़े को झाड़ झाड़ कर देखा गया, जो कोई घर में कोई चीज़ है उसे सब वो ले गए। आपको पता कब लगा? आप मेरे पता लगा 2 घंटे 2.5 घंटे बाद। अच्छा, तो आप आए यहाँ? हाँ, मैं आया। कितने बज रहे थे जब आप आए थे? जब मैं आया जब यहाँ पौने तीन बज रहे थे। तो क्या देखा आपने जब आए? तो मैंने देखा मेरा लड़के की जो बहू है उसकी यहाँ डेथ हुई पड़ी इसी जगह पर जी, और जो मेरा लड़की दूसरी लड़की थी वो बंधी पड़ी ही, उसके सिर में और पीछे हाथ बांध रखे थे, इसीलिए उस मेरे दामाद के हाथ बांध रखे थे यहीं, एक बड़ा छोटा नवासा था उसके भी हाथ बंधे और थे जी, और बच्चियों के साथ वह वहाँ दूसरे कमरे में गैंग रेप किया गया था। तो फिर आप लोगों ने क्या किया था? हमने ये किया, फिर यहाँ से जब हम चले, मैंने रास्ता से गांव में फ़ोन किया अपने भतीजे के लिए, अब भाई हमारे वहाँ उन्होंने कहे मगर चोर आ गए, जब वो लड़का मेरे पास गया, जब मैं चलते मैंने अपने भतीजे के लिए खबर करी फ़ोन पर, मगर भाई आदमी लेके तू आ जा, चोरन ने घेरेंगे, चोर आ गए, इब्राहिम मार दिया। मैंने उसको बताया फ़ोन पर, मैं कहूँ मरे बता रहा हूँ, लड़ाई हुई है, चोरन ने हमारे, चोर आ गए, यहाँ आकर देखा गया तो बिल्कुल वाकई में यहाँ उसका मर्डर ही कर दिया गया, और सबके सिरों में चोट मारी है डंडों से, सरियाओं से, जो भी उनके हथियार थे। प्रशासन का कैसा लगता है आपको? प्रशासन ने हमारे साथ आ गया, प्रशासन ने अपने काम जारी सही रखा। प्रशासन ने आपको क्या उम्मीद है अब हमें इंसाफ के ताल्लुक से? ये कि हमें अब 5-6 रोज में वो पकड़े गए, कल जो पकड़े गए हैं वही लोग हैं ऐसे? हाँ, वही लोग, हम यकीन से कह रहे हैं। ऐसे कहेंगे आप? या हमारे बच्चों ने पहचान लिए वो। अच्छा, पहचान की गई है, उनकी पहचान शनाख्त कराई गई है पुलिस ने, और वही दरिंदे हैं वो, वही जालिम है। कोई ऐसे वारदात इस हिस्से में हो रहे थे पहले, या आपको कोई डर था कि ऐसा होगा? ऐसा वारदात जो गाँव रहते थे तो नहीं, कोई डर से रहते थे? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं था, ऐसा कोई डर नहीं था। और यहाँ तो अचानक बहुत दिन में हमारा तो पहला वाक़ा है, पहली हरकत हुई है, पंचायत हुई, उसमें आपसे कुछ पूछा गया? पूछा गया। हाँ, क्या पूछे? ये पूछे गए कैसी तुम्हारे साथ बीती, किसे करे, किसने मारे, देखे गए किसी पे हो, उमक वो पुलिस ही करेगी छानबीन, तो भाई हरकत तो हमारे साथ है, उसमें बता कहा आपके सामने भी हमारा बेटा गई, बेटी गई, और 2 अभी सीरियस हाइस में हॉस्पिटल में पड़े हैं, कोई दिल्ली है, कोई नल्लड़ में है। जुमला कितने लोगों को मार लगी? जुमला 6 लोगों को। अच्छा, 2 बच्चियाँ थी? हाँ। एक कितनी मौत? कितनी? एक ही होगी? दो की हो। अच्छा, एक हॉस्पिटल में नल्लड़ है, एक दिल्ली है, ऑल इंडिया में। और ये आने वाले दिनों में 2 दिन के बाद एक पंचायत होने वाली है? हाँ जी, 2 दिन। उसमें यहाँ बहुत सारे लोग आए? हाँ जी। उन्होंने आपको किस किस्म का आश्वासन दिया? ये आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें इंसाफ दिलाया जाएगा, और उन जालिमों के बारे में सोचा जाएगा, पंचायत फैसला करेगी, और वो पंचायत फैसला करके कोर्ट के आगे पेश करे, या जो भी पंचायत का फैसला होगा वो तो पंचायत ही जाने क्या करेगी जी।
पर उनको यही है सबकी उम्मीद है सख्त से सख्त चौराहे पे करके उन जालिमों को फांसी लगाई जाए, जैसे आगे रोक ना लगे, आगे जुल्म ना कर सके कोई और भी। तो ये वारदात ऐसी ना हो ऐसा, अगर हाँ अगर ये हादसा ऐसे अगर इनको सजा ना मिले तो ये वारदात बढ़ेगी घटेगी नहीं और किसी के साथ होती रहेगी। अगर हाँ अगर ये वारदात के इनको सजा मिली तो यहाँ वारदात रुक जाएंगे। अब जब आप पहचाने इन लोगों को, हाँ जी, तो कहीं पहले इनसे ये आपके खानदान से कहीं संपर्क था इन लोगों का आना जाना या कोई ऐसा नज़र आते थे एरिया में ये लोग? हाँ जी आते थे। क्या काम करते हैं लोग? ये लोग भी जिम्मेदारी करते हैं पड़ोस। कितनी दूर है यहाँ से जिम्मेदारी? यहाँ से आधे किलोमीटर दूर है। कभी इनसे कोई ऐसी अनबन हुई थी? ना कभी नहीं हुई। ये करीब भी नहीं आते थे आप लोग? आप दूर से जानते थे? ना वैसे तो मेल ढोल है भाई, आते जाते थे हम तो खूब, लेकिन ये बात की उम्मीद तो ना थी कि ऐसे भी होगी। इनके बड़े बुजुर्गों से बात हुई अभी नहीं? इनके जो बड़े, इनके जो बड़े हैं ना, वे हमारे पास गए हमारे साथ जब उनके इनके बड़ों को भी पता पड़ गया हमारे बच्चा हरकत करके ना, वे उन्होंने क्या कह रहे उनसे बात भी किसी ने बात किया उनसे? वो हमारे पास आए ही नहीं। अच्छा, वे हमारे दुख में भी शरीक नहीं हुए, अब हमारे बच्चे हरकत करके हमारे साथ कोई संतोषजनक बात करते या ऐसे करते, वो किसी शर्म के मारे हमारे पास नहीं आए। शर्म के लिए नहीं, वो सही बात है, इंसानी बात है, इंसान हमारे पास नहीं। आपका दर्द तो बहुत बड़ा है, दर्द इसको कोई बांट भी नहीं सकता, ऐसा दर्द है। हम तो दुआ करेंगे कि आपको सब्र मिले अल्लाह ताला, लेकिन लेकिन ये आपको कहीं दिमाग में जब सोचते होंगे आप, तीन चार दिन आठ दिन हो गया, चार पांच दिन हो गया, तो सोचते होंगे आप अकेले में, तो आपको किस पर गुस्सा आता है? आपको गुस्सा भी आता होगा, गुस्सा आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों हुआ है? हाँ, बताइए आपके दिल में क्या बात है? दिल में यू है तकलीफ जो होती है, जरूर आंसू निकल जाते हैं, आंसू निकल जाए, याद आते हैं आंसू निकले, मैं न जानू मेरे सामने हाथ में काट काट के फेंक दूं, इनके टुकड़े कर दूं, ऐसे जो ये जालिम दुनिया में खत्म हो जाए। और ये 36 बरादरी की बात है ये, जी हाँ जी, ये लोग पूरे एकजुट है, 36 बिरादरी का एकजुट है। 36 बिरादरी में सब लोग आते हैं? सब लोग आते हैं, हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सब एकजुट है, सब ईमानदारी के साथ है पंजाब। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये है देश की ताकत है, देश हरियाणा की ताकत, हरियाणा की ताकत है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस दर्द में पूरा देश जुड़ेगा आपके साथ। अच्छा। और हर जगह इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी और इंसाफ मिलेगा। आप उम्मीद रखिए, इस मुल्क में इंसाफ न्याय जो है वो थोड़ा सा ढीला चलता है, लेकिन न्याय मिलेगा। और बहुत बड़े बड़े कानून बने हुए हैं, और ये आपकी एक बेटी तो नाबालिग थी, 15 साल, उसमें तो बहुत सख्त प्रावधान है। यहाँ जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं वैसे भी प्रावधान है, तो ये आवाज़ उठाई जाएगी, कहीं नरम पड़ेगी आवाज़, तो हम ज़रूर इस बात को उठाएंगे। आप इस पे निश्चिंत रहिए, ये बात रुकेगी या नहीं। हम अपनी तरफ से, हमारे सारी साथियों के तरफ से, हम दिल्ली से आए हैं। अच्छा। प्रशांत भूषण को आप जानते हैं? एक बहुत बड़े वकील है। योगेंद्र यादव को जानते हैं? हाँ, योगेंद्र यादव ने हमको यहाँ भेजा है। योगेंद्र यादव को जानता हूँ। तो उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, और हम आपको उनकी तरफ से, हमारे पूरी संगठन की तरफ से, हम देश भर में अमन के लिए काम करते हैं, और ये अमन का इससे बड़ा नंग को ध्वस्त नष्ट करने का इससे बड़ा कांड हो नहीं सकता। हम इसके खिलाफ पूरी आवाज़ उठाएंगे, आपके साथ देंगे, आपकी हर मुश्किल में हम मदद करेंगे। आप हमें बताइए कि हम क्या कर सकते हैं, वो काम करेंगे। जितनी आपकी जो भी आपकी आपके उसमें है मदद, उतनी मदद करिए जितनी हो सके। मैं सबसे ज़्यादा इनको फांसी की सजा, मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, आप तो जानते हैं स्वराज अभियान, योगेंद्र यादव को जानते हैं ना? बस तो बस हम आपके दर्द में साथ हैं, और हम अपनी कोशिश पूरी करेंगे। और आपके संगठन के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, रमजान चौधरी जी को जानते हैं ना? वो हमारे ही साथी हैं। अच्छा। वो आपकी जंग में साथ, हाँ, खंदे से खंदे मिलकर लड़ेंगे, वो हमारे साथी हैं, वही हमारा हाथ पैर बनकर आपके साथ रहेंगे। अब वो भी अभी बता रहे थे, अब आप साथ बनकर चल रहे हैं, आप इसे अब किसी चैनल पे इशू तो किया नहीं आपने? नहीं नहीं, हम अभी आए हैं, और भी तो बंदे आए हैं आपके, पहले भी तो आए हैं? नहीं, पहले हमारे बंदे नहीं आए हैं, हम अभी आए हैं, हम काम करेंगे और आपको संपर्क में रहेंगे। आपके भाई के लड़के से मैंने बात की, आपका फोन नंबर भी हमको दीजिए, हमारा भी आपको नंबर देंगे। हम जरूर, हमारे बहुत साथी यहाँ ये आज बेवात में है, नौ में है, आज 4-5 बजे 6 बजे की आपकी न्यूज आनी चाहिए। जितने यहाँ लोग भागे सब आपके जरूर, इंशाल्लाह देखने के लिए इच्छुक हैं, और देखेंगे। और आप
जो अच्छी तरह से आप दिखाएं। जरूर इंशाल्लाह। ठीक है सर। ठीक है। अरे से बहुत